मनोज बाजपेयी ने कंगना के ड्रग स्टेटमेंट पर दिया अपना रिएक्शन। क्या मनोज बाजपेयी कंगना से नहीं रखते हैं सहमति? कंगना को लेकर कह दी ये बड़ी बात। कंगना रनौत इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी छाई हुई है। बीएमसी और शिवसेना संग लड़ाई और जुबानी जंग को छोड़ दे तो कंगना बहुत कुछ ऐसा कह रही है जिससे इंडस्ट्री के कई लोग खुश नहीं है। कंगना ने बीते दिनों ड्रग मामले में पूरी इंडस्ट्री को दोषी ठहरा दिया। कंगना ने हाल ही में अपने ट्वीट में ये भी लिखा कि इंडस्ट्री की पार्टीज में ड्रग्स सबसे पॉपुलर है। कंगना ने ट्वीट किया कि इन पार्टीज में पानी में ड्रग्स मिलाकर दिया जाता है, वो भी बिना आपकी जानकारी के। वेल, अब इस पूरे मामले में फेमस बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी ने अपना जवाब दिया है, वो भी अपने सहज अंदाज में। कंगना ने दो टूक शब्दों में कहा है कि इंडस्ट्री में स्टार्स का बॉयकॉट होना चाहिए। हाल ही में इंडिया टुडे से बातचीत में मनोज बाजपेयी ने इस और अपना अलग रुख रखा। उन्होंने कहा, ये बहुत ही अनफेयर है, किसी भी चीज को जनरलाइज करना गलत है। मुझे पता नहीं क्यों इन सब के पीछे किसी का निहित स्वार्थ लगता है। मैं सच में कहूँ तो मैं इंडस्ट्री को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, यहाँ बुरे लोग है तो यहाँ अच्छे लोग भी है। मनोज बाजपेयी ने आगे ड्रग्स के विषय पर बात करते हुए कहा है, यहाँ हर तरह के लोग हैं, मुझे बुरे लोग भी मिलते हैं यहाँ पर, लेकिन बिना उनसे डरे हुए मैं उनको डील करता रहा हूँ, उनसे लड़ता भी रहा हूँ और आगे भी लड़ूंगा। लेकिन बाकी सारे क्षेत्र में जैसे है वैसे यहाँ भी है, लेकिन आप जैसे ही कहते हैं कि यहाँ ड्रग्स का व्यापार है तो जो भी लोग ये देख रहे हैं वो जब मुझे देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ड्रग्स का गोदाम आ रहा है। उनको लगता है कि जैसे कांचा सेठ मनोज बाजपेयी है। सीधे शब्द में मनोज बाजपेयी ने ये कहा कि जरूर इसके पीछे कोई तो मकसद हो सकता है। वो कहते हैं, ये मैं आज हर किसी से कहना चाहता हूँ कि ये जो दिखाया जा रहा है बात सिर्फ वो नहीं है, ये किसी मकसद के तहत किया जा रहा है, ये मकसद आपको ढूंढना पड़ेगा। वेल, बता दे कि मनोज बाजपेयी उन चुनिंदा लोगों में से है जिन्होंने कंगना की तरह सुशांत केस में अपना सपोर्ट जताया था। वही मनोज बाजपेयी ने सुशांत के निधन के बाद सबसे पहले ये कहा था कि वो आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, जरूर इसके पीछे कुछ साजिश है। मनोज बाजपेयी ने तब कहा था कि यदि सुशांत ने अपनी जान ली भी होगी तो इस मामले की जाँच होनी चाहिए कि ऐसे कौन से हालात थे जिसने सुशांत को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। वेल, आपका क्या कहना है मनोज बाजपेयी के इन स्टेटमेंट्स के बारे में? आपकी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। एक्टर मनोज बाजपेयी ने किया बड़ा खुलासा, कहा कि बॉलीवुड में नए टैलेंट को किया जाता है नजरअंदाज। साथ ही बताया कि किस तरह टैलेंटेड लोगों को किया जाता है डीमोटिवेट। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद फिल्म इंडस्ट्री के अंदर इनसाइडर आउटसाइडर और नेपोटिज्म की बहस छिड़ गई है। लोग तो बहस में कई सेलेब्स को ट्रोल भी कर रहे हैं, साथ ही में कुछ सेलेब्स ऐसे भी हैं जो इस बहस में कूद गए हैं और खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। अब मनोज बाजपेयी जो खुद एक आउटसाइडर है, उन्होंने भी इस मुद्दों पर अपनी बात रखी है। एक न्यूज पोर्टल को दिए गए इंटरव्यू में मनोज बाजपेयी ने कहा, मैं इसी के साथ शुरू करता हूँ, ये दुनिया बहुत न्यूट्रल है। मैं ये पिछले 20 सालों से कहता आ रहा हूँ कि बतौर इंडस्ट्री हम एवरेज लोगों को बढ़ावा देते हैं। इंडस्ट्री भूल जाइए, राष्ट्र के नाते भी हम एवरेज प्रतिभा का जश्न मनाते हैं। कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है हमारे सोचने के तरीके में, हमारे वैल्यू सिस्टम में। जब हम टैलेंट देखते हैं तो हम तुरंत इसे अनदेखा करना चाहते हैं या इसे दूर करना चाहते हैं। ये बहुत निराशाजनक है। एक्टर ने आगे कहा, यही सही समय है जब इंडस्ट्री को ये पहचानने की जरूरत है कि कौन असल में टैलेंटेड है, किस में असली टैलेंट है, और फिर उन्हें खुद को साबित करने के लिए मौका देना चाहिए। आगे एक्टर ने बताया कि कैसे इंडस्ट्री के लोग एक दूसरे के टैलेंट से जलते हैं और उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। मनोज बाजपेयी ने कहा, इंडस्ट्री में अगर आप टैलेंटेड है तो सबसे पहले तो लोग आपके टैलेंट से जलने लगेंगे, तो अगर वो आपसे जलने लगेंगे तो आपको पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे, वो आपको नजरअंदाज करेंगे, वो आपको हमेशा पीछे करने की कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कंटिन्यू करते हुए कहा कि 20 साल पहले ये इनसाइडर आउटसाइडर शब्द वजूद में ही नहीं था, इस पर बहस बीते 20 सालों में ही शुरू हुई है। सबूत यही है, बस हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अब लोग गुस्से में हैं। आप कह रहे हैं कि लोगों का गुस्सा बेवजह है,
लेकिन इस गुस्से का मतलब है कि लोग सवाल पूछ रहे हैं और एक इंडस्ट्री के तौर पर हमें लोगों के सवालों का जवाब देना होगा। इस व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है। इसे कौन सुधारेगा? मैं एक स्थापित अभिनेता के रूप में, एक अनुभवी अभिनेता के रूप में, या वो लोग जो यह अच्छी पोजीशन पर है? आप टैलेंटेड लोगों को मोटिवेट करके, उनके स्ट्रगल को थोड़ा कम करके, उन्हें स्वीकार करके और सम्मान देकर उसे बेहतर बना सकते हैं। वेल, मनोज बाजपेयी ने ये बात तो बिल्कुल सही कही, लेकिन अब देखना होगा कि क्या लोगों का गुस्सा और एक्टर्स का सामने आकर इस चीज को एक्सेप्ट करना क्या लाएगा इंडस्ट्री में बदलाव। आप हमें बताएं आपकी राय। ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।